नेरचौक बाजार में सुबह एक घर में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। आगजनी की ये घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। जिस घर में आग लगी वहां शादी समारोह चल रहा था और रिश्तेदार नई नवेली दुल्हन को लेकर घर पहुंचे थे। आज इस घर में रिसेप्शन पार्टी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही मातम छा गया। जानकारी के अनुसार घर के सभी सदस्य बारात वापस लेकर आराम कर रहे थे, तभी घर में अचानक आग की लपटें उठना शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरा घर राख के ढेर में तब्दील हो गया। आगजनी के दौरान घर में रखे सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ था, जिससे आग ज्यादा भड़क गई। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की और फायर ब्रिगेड सहित स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटना स्थल पर काफी देर से पहुंची, जिस कारण पूरा घर जलकर राख हो गया। आगजनी की इस घटना में परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में 66 वर्षीय नरेंद्र कुमार सोनी, 60 वर्षीय बीना सोनी, 75 वर्षीय सुदेश सोहल, 45 वर्षीय मोना और 8 वर्षीय साहिल शामिल है। ये 2 परिवारों के सदस्य बताए जा रहे हैं। जिस घर में आग लगी वो घर मृतक नरेंद्र कुमार सोनी का था और उनके साथ लगते घर में छोटे भाई के बेटे की शादी समारोह चला हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक इंद्र सिंह गांधी, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी और डीसी हमीरपुर ऋग्वेद ठाकुर घटना स्थल पर पहुंचे। डीसी मंडी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया। परिजनों ने डीसी को फायर ब्रिगेड की लेट लतीफी के बारे में बताया। डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड देरी से क्यों आई, इसकी भी जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी। प्रारंभिक दृष्टि से आगजनी का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए जोनल अस्पताल मंडी भेज दिया है। इस हादसे के दौरान प्रभावित परिवारों का गुस्सा उन लोगों पर भी फूटा जो इनके वीडियो और फोटो बना रहे थे।